वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे और आज के इस स्पेशल क्लास का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, कमालुद्दीन अंसारी भाई, पुराने पुराने छात्र भी हमारे साथ दिख रहे हैं। नाउ, कहा गया है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। देखते हैं, हम लोग कोई चीज करते हैं तो कहता है कि किस्मत में जो लिखा था वही होगा। ऐसा सुना है आपने कि किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा? लेकिन हमारा कहना है कि कौन कहता है कि कामयाबी, कौन कहता है कि सफलता किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में अगर दम हो, जी हाँ, इरादों में अगर दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जी हाँ, इरादों में अगर दम हो तो मंजिलें भी क्या होती है भाई? झुका करती है, आपके कदमों के नीचे आ जाएगी। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? कहिएगा सर ये कोई क्वेश्चन थोड़ी आप क्लियर करवा रहे। वेरी गुड इवनिंग। चलो, कहा गया है कि मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। यू कैन अंडरस्टैंड, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जो है वो जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किल से भाग जाना ये आसान होता है, हर पहलू जो है वो जिंदगी का इम्तिहान होता है। और कहा गया है मेरे बच्चों कि डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आई होप कि कुछ तो आपके अंदर नई सी ऊर्जा का संचार हो रहा होगा। और आइए, आज हम टॉप 150 एमसीक्यूज करेंगे और ये महामैराथन है, पूरी क्लास करवाएंगे जब तक आप थकेंगे नहीं, जब तक हम थकेंगे नहीं। इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से बोल रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि जोर जोर से बोलना शुरू करें और सारी एनर्जी यहीं पर खत्म कर दे तो फिर ये लंबा महामैराथन चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, और आप सभी को ड्रीम क्लासेस और उसके ड्रीम क्लासेस के पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2022, 2022 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रात 12 बजे से शुरू होगा और ये बहुत ही स्पेशल क्लास है। कल आई होप की छुट्टियां हो क्योंकि भाई सारा दिन यू नो समझ सकते हैं आप, नया साल है, कोई भी इंसान अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम पूरा देना चाहेगा। चलिए बच्चे बोर हो रहे होंगे, नहीं शुरू करते लीजिए टॉप 150। और याद रखिएगा, यहां से अगर 20 से 25 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं आया तो आप ड्रीम क्लासेस की वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, मैं मना नहीं करूंगा। 20 से 25 क्वेश्चन अगर यहां से नहीं आया इस बार बोर्ड के एग्जाम में, मिनिमम मैं 20 कह रहा हूं जी, 25 तक भी जा सकता है, वन ऑन एवरेज कम से कम, सॉरी हाँ जी, एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन आपको एवरेज आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। पहला सवाल, जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान यानी मास के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, उसके द्रव्यमान पर क्या होगा, मतलब उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया, बच्चे हमारे साथ जुड़ गए, आज मजा आ रहा है ना, बहुत बेहतरीन दिख रहा होगा, फुल्ली एचडी टाइप का, ब्लैक बैकग्राउंड, इंग्लिश मीडियम के लिए भी अच्छा, एक केमिस्ट्री का करवाया तो भाई इंग्लिश मीडियम के लिए। तो सवाल है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा? मैं आज आराम आराम से बोलूंगा क्योंकि मुझे आज मैराथन कराना है और अगर मैं जोर जोर से बोलना शुरू करूं तो ये मैराथन हो नहीं पाएगा पूरा, इसलिए आराम आराम से और धीरे धीरे से करेंगे। लेकिन हाँ, गतिशीलता प्रदान करते हुए, मतलब जल्दी 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 करेंगे। तो जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो है वो घट भी सकता है, बढ़ सकता है, यानी वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, देन उसका द्रव्यमान, उसका जो मास है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? हाँ, एवरेज 90% बच्चे कह रहे हैं कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, समझिए इस चीज को, तो वो वस्तु के ऊपर निर्भर कर रहा है, करेगा कि हम किस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा कह रहा है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को मापने के लिए क्या करना चाहिए? बताइएगा, चार विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, एक लाजवाब प्रश्न, और आप आराम से जुड़िएगा। आज मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं चिल्ला चिल्लाकर क्लास करवाने वाला हूं, क्योंकि मुझे आज महामैराथन चलाना है और इसके लिए मुझे आराम से पढ़ाना बहुत जरूरी है। एम आई राइट? तो किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चार विकल्प जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। तो बच्चा जी, पहला है इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, धारा को घटाना चाहिए, धारा को बढ़ाना चाहिए और लंबाई को बढ़ाना चाहिए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम। और भाई इस बार पेपर है और अगर देख कर नहीं जाइएगा तो पछताइएगा। तो किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? इसकी धारा को घटाना चाहिए, यानी दो का राइट आंसर दो, यानी दो का भी हो गया। क्लियर है? दो का बी, ना ना ना, अरे रे, गलत 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 गलत, एक सेकेंड, दो का बी होगा जी राइट आंसर। नहीं नहीं धारा को घटाना चाहिए, बढ़ाएगा नहीं। चलिए चेंज करिए जल्दी जल्दी से आंसर। एम आई राइट? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। क्लियर है? दो का बी होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से राइट आंसर। चलिए चलिए, अच्छा इसके ऊपर एक बार फिर से हम ध्यान दे देंगे, पक्का प्रॉमिस। चलिए, ये दो नंबर को हम डाउट में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा मापा जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा मापा जाता है, जल्दी से आंसर बताइएगा। इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा मापा जाता है, ये बहुत आसान सवाल है कि सर इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। दो नंबर क्वेश्चन को हमने डाउट में रखा है, वैसे मेरे हिसाब से बी ही होगा,
कोई बात नहीं चलो हाँ। अरे भाई ये तो कम से कम गलत नहीं करो, तीन का तो आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, बच्चा बी दिख रहा था कुछ कुछ। चौथा सवाल, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य मुख्य धारा वाहक जो होते हैं वो क्या होंगे। चौथा सवाल, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक कौन से होंगे, जरा गतिशीलता प्रदान करिए, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करिए जी। तीसरा सवाल राइट आंसर डी हो चुका। चौथा सवाल, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक, भाई पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो होगा वो होल होगा। ठीक है आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते चलो। चलिए जल्दी आंसर दीजिए कि पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है कितने डायोड। क्वेश्चन नंबर पांच, पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है, ये क्वेश्चन नंबर फाइव। तो भाई पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में दो डायोड का प्रयोग करेंगे, और यहां पर जो क्वेश्चन आपका था एक बाय मिस्टेक गलत हो गया था मेरे हिसाब से। नहीं ये धारा को बढ़ाना चाहिए, एक सेकंड, ये डाउट क्वेश्चन हम रखते हैं इसको। ठीक है एक बार फिर से संवेदनशीलता वाले पे थोड़ा सा मुझे इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इसको डाउट में रखते हैं चलो कोई बात नहीं। पांच दो नंबर डाउट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, बताइए फटाफट बताइए, थोड़ा सा शेयर करते रहिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठा, शेयर करते रहेंगे, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। भाई प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करने वाले व्यक्ति नहीं जो कारक है वो ध्रुवन है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवन करता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन, बताइएगा कि खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल, बच्चे शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। ठीक है चलिए, खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका सातवां आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। और राइट आंसर है कि भाई वास्तविक और सीधा होगा, खगोलीय दूरबीन का अंतिम प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होगा, सात का सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दो नंबर क्वेश्चन डाउट है, मैं एक बार फिर से उसको देख लूंगा, देन आपका उसका सॉल्यूशन मुझे बाद में करवा देंगे उसका। क्वेश्चन नंबर आठ, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल करें, ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्ट का लाभ अधिकतम होता है, एक बेहतरीन सवाल, ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्ट का लाभ जो है वो अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर आठ, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई। राइट आंसर होगा कि कॉमन उत्सर्जक, उत्सर्जक में, ठीक है, किसमें जो है विन्यास में वोल्टता लाभ अधिकतम होगा, कॉमन उत्सर्जक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या होता है, एक बढ़िया सवाल, एक बेहतरीन सवाल, जिसकी डिमांड इस तरह के मॉडर्न फिजिक्स और इस तरह के क्वेश्चन जो है ये काफी बार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिला है कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का जो बड़ा प्रतिबिंब होगा ये कैसा होगा, ये क्वेश्चन नंबर नाइन आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि ये वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। बहुत बढ़िया, थोड़ा शेयर करते रहिएगा, बस आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा शेयर करते रहिएगा। चलिए थोड़ा क्या करना है, शेयर करते रहना है। दसवें सवाल की अगर हम रुक करें तो दसवां सवाल बहुत डिमांडेबल क्वेश्चन है, पूछता है इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, बताइएगा फटाफट, बताइएगा फटाफट, बताइएगा एक बेहतरीन क्वेश्चन, फटाफट बताइएगा। फटाफट बताएंगे जी सभी बच्चे, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है काफी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में, मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सॉरी नहीं नहीं ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है भाई, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो है ये परिवर्तित नहीं होती है, ये परिवर्तित नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 11वें नंबर सवाल की ओर रुख करते हैं, 11वां नंबर सवाल कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, आदर्श एमीटर बताइएगा जी, फटाफट बताइए, गति में फटाफट आंसर दीजिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो 11 नंबर, जब आदर्श एमीटर होगा तो सर प्रतिरोध तो शून्य हो जाएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो है वो शून्य होता है। ठीक है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बच्चा, शून्य होता है, 11 का राइट आंसर हो गया। 12वां सवाल की, 12वां सवाल जो आपसे पूछा गया है ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, पूछा गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार जो है वो किस चीज को मापने में करेंगे, बताएंगे सभी बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किस चीज को मापने में, ये 12वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। तो देखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार जो है वो प्रतिरोधों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है और हाँ, जिस बच्चा को संजीवनी के लिए दिक्कत हो वो बच्चा यहाँ पे संपर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप संजीवनी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है और ये संजीवनी स्पेशली लास्ट 30 डेज के लिए बनाया गया, जो आपको नीचे स्क्रॉल करके आ रहा है ना, ये क्लास 12th के पूरे 6 विषयों का कंप्लीट नोटबुक है, कंप्लीट गेसिंग नोटबुक है, जिसकी फीस आपको नीचे दिख रही होगी। आप इसको ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके संजीवनी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्टली हमारी टीम से बात करिए, वो ज्वाइन करा देगी आपको, जो उसकी फीस है नॉर्मली आपको दिख रहा होगा, फीस कितना है, कितने सब्जेक्ट की कितनी फीस है, वो आपको नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है, मुझे नहीं लगता किसको बताने की जरूरत है, टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ ये पूछता है, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी डिमांडेबल क्वेश्चन है जी, जो डिमांडेबल है आज हमने सिर्फ डिमांडेबल क्वेश्चन पर डिस्कस करा है। सवाल है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, हमें लगता है कि भाई ये भी क्वेश्चन मन में याद हो गया होगा कि सर ऐसे कंडीशन में शून्य होता है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, 14 का सी।
14 है ना जी, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन। भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है किसके नियम से? भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है भाई, भंवर धाराओं की दिशा जो प्राप्त होगी ये आपको लेंज के नियम से प्राप्त होगी। मैं मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सामने वाली स्क्रीन के ऊपर आए हैं, खुशी की बात है कि हमारे साथ 200 बच्चे लाइव हैं और सभी को दिल से शुक्रिया, सभी को दिल से शुक्रिया और सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर राहुल सर के और उनके पूरी टीम की तरफ से, धनंजय सर, प्रशांत सर, संदीप सर, रोहित, पवन, सभी के तरफ से, ड्रीम क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से, आप सभी को, राकेश सर भी हमारी टीम में आ चुके हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन सभी सबों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। चलो 15 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 16वां सवाल कि चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो क्या निर्दिष्ट करेगी, किस दिशा से किस दिशा की ओर ये आपको निर्देशित करेगी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करती है। 16 नंबर सवाल, ये हाइलाइटेड क्वेश्चन है भाई, दक्षिण से उत्तर ध्रुव, यानी 16 का राइट आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर। आगे बढ़े, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिल्कुल बढ़ते रहेंगे, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए कभी भी झुकना नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। हाँ, झुकना है तो सिर्फ गुरु और माता पिता के सामने, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, आपने सुना होगा। 17वां सवाल, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे सर, एम्पियर घंटा जो है वो आवेश का मात्रक है, किसका है जी? अच्छा, आप संजीवनी खुद से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है संजीवनी का, लिंक पर क्लिक करिए, अगर इंस्टॉल है तो इंस्टॉल पहले करिए, फिर से दोबारा लिंक पर क्लिक करिए, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आराम से सब्सक्रिप्शन लीजिए, जितने भी लॉक है वो अनलॉक हो जाएंगे, जितने भी लॉक है वो क्या हो जाएगा भाई, अनलॉक हो जाएगा। आइए 18वां सवाल, कुलाम बल है, बताओ बच्चा क्या लग रहा है, मजा आ रहा है? आज आप मुझसे मिल लो, फिर बहुत दुख की बात है कि मैं इस साल आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, आज आप मुझसे मिल लो, ये आखिरी क्लास है, फिर आज के बाद हमारी मुलाकात अगले साल होगी, ठीक है, आज के बाद हमारी मुलाकात कहां होगी जी, अगले साल होगी, मतलब अब आप मुझसे इस साल मत मिलना, ठीक है, मैं आप लोगों से इस साल नहीं मिल पाऊंगा, सॉरी, अब हम अगले साल मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है, एक साल की छुट्टी है आप लोगों की, इस साल मिल लिए, अब अगले साल आइएगा, ओके। कुलाम बल है भाई, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है ये कुलाम बल, 18 का सी, नहीं 18 का सी, बहुत दुख की बात है कि अब हम बच्चों से एक साल बाद मिल पाएंगे, इस साल मिले फिर अगले साल। चलो, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है, ठीक है, तो ये एक्स लिखा हुआ है, ये क्या है, एक्स लिखा हुआ है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो संभिवावी जो होगा, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बढ़िया सवाल है, ये हाइलाइटेड है थोड़ा सा, इसका जो फॉन्ट है ना ये थोड़ा सा, ये वाई जेड लिखा हुआ है जी, ये यही राइट आंसर होगा, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो संभिवावी तल जो होगा वो वाई जेड तल की दिशा में विद्यमान होगा, यानी 19 का राइट आंसर सी हो गया। आगे आइए 20वां नंबर, स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, 20 नंबर क्वेश्चन, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र भाई, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, 20 का, आज तो कोई शिकायत नहीं है कि सर और फास्ट करवाइए, नहीं आज तो एकदम गति में चल रहे हैं, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है, 21 नंबर क्वेश्चन, इसलिए ना क्योंकि कर नहीं पाएंगे फिर, 150 क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा फिर हमारा, जैसे कह देना और कर देने में बहुत फर्क है ना जी, और यही 150 क्वेश्चन से आपके इस बार बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं 150 में से क्वेश्चन काफी सारे यहां से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं एक दिन में पूरा करूं 150 क्वेश्चन। जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होता है, बेहतरीन सवाल, जब किसी धातु प्रतिरोध का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल जो है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपके 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भाई उनकी उनकी चालकता एवं प्रतिरोधकता जो है वो अपरिवर्तित रहती है, 21 का राइट आंसर सी हो गया, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 21 का सी हो गया। चलिए 22वां सवाल, हीट स्टोन सेतु की तुलना करता है, व्हीट स्टोन सेतु की तुलना करता है प्रतिरोध का, धारा का, विभवांतर का, यह सभी का, व्हीट स्टोन सेतु किसकी तुलना करता है भाई, क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा बेहतरीन सवाल है, व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ये होगा भाई, प्रतिरोध का, ठीक है, 22 का क्या होगा राइट आंसर, ए होगा, बहुत बढ़िया, आ रहा है मजा, बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूं सामने वाली स्क्रीन पे काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मजा ले रहे एकदम, नहीं बहुत बढ़िया, बच्चा खुश हो आज, शेयर नहीं कर रहे, खुश हो लेकिन शेयर नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, क्या नाराजगी है, क्या क्या भाई गिला सिखवा क्या है, पता नहीं है, इस साल जो भी गिला सिखवाए माफ करो अगले साल के लिए। अच्छा, 2023 के लिए बैच बहुत जल्द शुरू हो रहा है, कुछ ही दिनों में, 5-6 दिनों में, तो आपके जो भी छोटे भाई बहन है उनको बोल दीजिएगा ड्रीम क्लासेस से पढ़ लेगा, 2023 के लिए बैच बहुत जल्द शुरू हो रहा है, 5-6 दिनों में हो जाएगा शुरू। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितने मिनट में, क्षमता जो है वो मिनट में कितनी होती है, मतलब कितने देर तक वो विभेदन क्षमता होगा, बढ़िया, वीवीआई है जी, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बोर्ड का एग्जाम में ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शेयर करते रहिए, अगर आप हमारे प्यारे प्यारे अच्छे वाले स्टूडेंट हैं, हमारे फैन फॉलोअर्स हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है शेयर करना, और हमारा कर्तव्य बनता है आपको अच्छी शिक्षा देना, ठीक है, और अच्छी शिक्षा जो है ये हमारा कर्तव्य है, और ये हम अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाएंगे। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितने मिनट की होती है, तो भाई 23 सेकंड क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए हमारे हिसाब से कि आई थिंक, अरे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर, बहुत बढ़िया, देखो ये गलत होना चाहिए क्योंकि आंसर ए लिया हुआ है, गलत है, सॉरी डी लिया हुआ है, दिस इज नॉट राइट आंसर, राइट आंसर 1/60 मिनट, यानी ठीक है 1/60 मिनट होता है जी, ठीक है 1/60 ये राइट आंसर होगा, क्या होगा 23 का राइट आंसर ए, हाँ 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 1/60 बिल्कुल सही है, नहीं नहीं 1/B तो होगा ही नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है, एक मिनट समझ रहे हो आप इस चीज को। 24, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक बहुत बहुत बेहतरीन सवाल, आंसर दीजिएगा सभी बच्चे, पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में,
बताइएगा फटाफट राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भाई ये जो होगा वो सतह के लंबवत होती है। बहुत बढ़िया, क्या बात है बच्चे, सही सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। 25 नंबर, एक परावैद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। और बहुत बढ़िया सवाल है कि एक परावैद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, संधारित्र की पट्टी को अगर उनके बीच में डाल देते हैं तो धारिता के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज गलत लिखा हुआ है, कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे इसको भाई। ऐसे कंडीशन में संधारित्र की धारिता का मान जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। 25 का राइट आंसर ए, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, रुकेंगे नहीं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा कल, आज पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक, आप टेलीग्राम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं। वहां पे क्विज शुरू हो गया जी, हाँ टेलीग्राम पे आप सर्च करिए। एक चीज मुझे बोलना, मैं भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी न्यूज है ये, कि हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम क्लासेस, ठीक है, ड्रीम क्लासेस। और ये आपको प्ले स्टोर सॉरी टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा ना, ड्रीम क्लासेस आ जाएगा, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए ना, वहाँ पे लिंक है। यहाँ पर क्या शुरू हो गया, यहाँ पर शुरू हो गया क्विज प्रतियोगिता, ठीक है, क्विज प्रतियोगिता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, यहाँ पे क्विज प्रतियोगिता शुरू हो रहा है, ठीक है। हाँ ये आपका काम है। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, 26 नंबर क्वेश्चन। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, ये 26 नंबर क्वेश्चन, और राइट आंसर है भाई अपरिभाषित। धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो नहीं 26 का ये नहीं होगा, ठीक है, 26 का बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 26 का क्या होगा, 26 का बी होगा, धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो अपरिभाषित होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कितने डिग्री कोण पर काटेगी। हमको पता है सर, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर नहीं काटेगी, क्योंकि काटने से दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न होगी, स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो क्या होगा आंसर, सर नहीं काटेगी, काटेगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 26 का देखो हो गया, 27 का भी हो गया। तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य धारिता। ये सब हाइलाइटेड क्वेश्चन है भाई, इतना बार ये पूछा गया है ना कि शर्मा जाइए क्वेश्चन अपने आप में, कि पता नहीं हमें बार बार क्यों हमें जलील कर रहे हो। राइट आंसर क्या होगा, ओहो जस्ट अ सेकंड, राइट आंसर C/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शर्मा जाएगा क्वेश्चन ये देख के, खुद से शर्म आएगी से, कि बार बार मुझे जलील करने के लिए स्क्रीन बोर्ड पर लेकर आते हैं, सब तो जानता है ये, फिर मुझे क्यों लाते हैं बार बार, ऐसा बोलता होगा क्वेश्चन अपने आप में। 29वां, डिवाई मात्रक है, जस्ट अ सेकंड, डिवाई मात्रक है क्वेश्चन नंबर 29, और डिवाई जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है डिवाई। यहां तक क्लियर है बच्चों, हाँ बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, बताएंगे किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके। 30वां सवाल, थोड़ा सा और शेयर करिए, आप लोगों से अनुरोध है, आज बहुत महामैराथन है। देखो मैंने बोला 150 क्वेश्चन करवाएंगे, महामैराथन है, आप नहीं चाहते आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी पढ़े, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस शेयर करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस शेयर करिए। आप लाइक का बटन दबाइए और शेयर करिए, लाइक करना आपका परम कर्तव्य, अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्वेश्चन नंबर 30, और बहुत बेहतरीन सवाल है, प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक के ऊपर, जी हां 30 का बी, ठीक है, प्लेटों के बीच माध्यम के परावैद्युतांक 30 का भी, 31, यदि विद्युत बल में धारा 3%, ये कल भी हुआ था, यदि विद्युत बल में धारा 3% से बढ़ा दिया जाए तो समान प्रतिरोध पर उसका जो प्रभाव होगा या उसकी जो शक्ति होगी वो कितना बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 जो है, ये कल भी हुआ था कि सर ऐसे कंडीशन में अगर हम धारा 3% बढ़ेंगे तो उसका जो पावर होगा वो 6% बढ़ेगा, जस्ट डबल, ठीक है। 32, किसी, ये दिख रहा नीचे वाला, हाँ दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, क्या करने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बताइएगा फटाफट शेयर करिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। तो भाई 10 सेकंड, गलत तो नहीं हो रहा है ना, ना ठीक, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, यानी 32 का राइट आंसर है। ओके आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, हाँ 33 नंबर क्वेश्चन, सवाल बहुत बढ़िया है, पूछा गया है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे सर, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है किसके आधार पे, किस नियम के आधार पे, किरचॉफ का दूसरे द्वितीय नियम है किस नियम के आधार पे, फटाफट बताएंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम है किस नियम के आधार पे, क्वेश्चन नंबर 34। तो भाई क्वेश्चन नंबर 34 सबको पता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कि भाई जब किसी धातु प्रतिरोध का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब उसके चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल, ये क्वेश्चन आज ही हो चुका है इसलिए इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है ये, और ऐसे कंडीशन में ये अपरिवर्तित रहता है, अभी अभी हो चुका था थोड़ी देर पहले, तो 35 का राइट आंसर सी हो गया। आगे बढ़े, अच्छा इधर से करवा देते हैं, चलो 36 क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट, क्वेश्चन नंबर 36 सबको पता है सर, इलेक्ट्रॉन बोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, क्या ये भी कह रहा होगा हमारे साथ क्या हो रहा है, ये बार बार मैं क्यों आ रहा हूं, नहीं चलिए 37
मैंने बोला आज मैराथन करवाएंगे तो करवाएंगे, बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन, बच्चा खुश नहीं होकर गया ना आज का क्लास तो फिर मुझे कहिएगा। आज आपके चेहरे पे एक प्यारी सी खुश हंसी रहेगी, और ये इसलिए क्योंकि हम बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। रीजन क्योंकि भाई एग्जाम नजदीक आ गया, और ऐसे में हम टाइम पास करेंगे तो ये मुझे शोभा नहीं देगा और आपका सोच हमारे प्रति सही नहीं देगा। एम आई राइट? बहुत बढ़िया, एक लाइक का बटन दबाइए तो जरा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा, ये गलत लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं होता ये, ठीक है? ये चुंबकीय क्षेत्र, जस्ट अ सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा ऐसे होना चाहिए, कोई बात नहीं, वो तो आप समझने की चीज, समझने का फेर है, बच्चा ऐसे भी समझ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्वेश्चन नंबर 37, और आसान है, टेस्ला ना। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, लीजिए, आज तो मजा ही मजा है क्योंकि कम टाइम और बहुत सारे मजे, ठीक है? काम अधिक बातें कम, ऐसी बातें, ये नारा जो है वो संजय गांधी जी का दिया हुआ था और बहुत बड़ी बात है। चलिए, टेस्ला इकाई होती है, लीजिए, एक ही चीज को बार बार दो दिया, नहीं मैंने बोला था सही से टाइप करने के लिए, इसने बच्चा ने एक बार में दो क्वेश्चन टाइप कर दिया, ठीक है? वो देखते नहीं कि गुरु गुड़ और चेला चीनी, वो हाल कर दिया, मैंने उसको बोला था एक बार टाइप करने के लिए, उसने एक ही क्वेश्चन को दो बार टाइप कर दिया अलग अलग ढंग से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39, तांबा होता है किस तरह का पदार्थ? तांबा, तो भाई तांबा अणुचुंबकीय होता है, कैसा होता है? तांबा अणुचुंबकीय। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, हमें अच्छे से पढ़ाना, हमारा अच्छे से पढ़ाना वो हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, शेयर करना, लाइक का बटन दबाना, संजीवनी भाई ज्वाइन करना और टेलीग्राम पे जुड़ना। चार कर्तव्य, पहला, राहुल सर के चार कर्तव्य को अगर आप निभाते हैं तो आप सफलताओं को प्राप्त करेंगे। शेयर करना, ठीक है? सब्सक्राइब मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक करना अगर अच्छा लग रहा है तो, और सब्सक्राइब खुद करिएगा, नहीं करिएगा सब्सक्राइब तो फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तीसरा, संजीवनी बैच ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और चौथा, हमारे साथ टेलीग्राम पे क्विज करिए। ये चारों काम अगर आप अंत समय में करते हैं, चारों काम ये आखिरी 20 से 25 दिन में करते हैं तो सफलताओं को बहुत बेहतरीन ढंग से प्राप्त करेंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है? मैं बोल रहा हूं तो ये चीज होकर रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, क्वेश्चन नंबर 40। तो बहुत आसान सवाल है कि सर समान वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा? विद्युतीय और चुंबकीय दोनों, क्योंकि जब आवेश गतिशील रहेगा ना, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, विद्युत आवेश और क्षेत्र में, कि व्हेन द चार्ज इज ऑन रेस्ट, व्हेन द चार्ज इज ऑन रेस्ट मतलब जब आवेश रुका हुआ हो, तो आपने सुना होगा कि आवेश जब रुका होता है तो वो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है? एम आई राइट? आवेश जब रुका हुआ होता है तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे कि जब आवेश गतिशील हो, जब आवेश गतिशील हो, आवेश गतिमान हो, तो हमने सुना होगा कि सर जब आवेश गतिशील या गतिमान हो तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब अगर हम किसी नंगी वायर के पास जाए, उसके ऊपर उससे अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो वो अपनी ओर बुलाती है, अपनी ओर खींचती है। और एक चीज और याद रखिएगा, आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता, वो आपको ठेलेगा नहीं, लेकिन आपका जो आवेश है चार्ज में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, क्योंकि वो जब पहले अपनी ओर बुलाएगी, छुएगी, आपको छुड़वाएगी और उसके बाद धक्का मार के भागेगी, मतलब झटका देगी, उसको कहते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो ये तो आसान था कि समरूप वेग से चलायमान आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। चलो, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लीजिए, पूछने की बात ही नहीं है, आसान क्वेश्चन। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो का ये सब काम है जी, ये सब जो है ना काम डायनेमो करता है। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर, लेंज का नियम होना चाहिए जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये क्या, मैं पूरा लिख देता हूं, लेंज का नियम संबंधित है, ठीक है? लेंज का नियम संबंधित है, 42 आसान क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ डायरेक्टली ऊर्जा दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो लेंज का नियम जो संबंधित है, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो 42 का राइट आंसर सी हो गया। आगे बढ़े, ओके, क्वेश्चन नंबर 43, प्रेरण कुंडली जनित्र होती है, प्रेरण कुंडली जनित्र होती है, प्रबल धारा कुछ वोल्टता अल्प धारा, मतलब अल्प का मतलब होता है कम वाली धारा, और अल्प वोल्टता, प्रबल धारा कुछ वोल्टता, अल्प धारा यानी कम धारा, बताइएगा व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 43 है एंड चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। 43, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 43 का राइट आंसर जो होगा वो होगा भाई कुछ वोल्टता। क्या होगा? कुछ वोल्टता। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ठीक है? तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। तो 43 का राइट आंसर जो हो गया, ये 43 का राइट आंसर हो गया बी। चलिए, 43 की ओर, सॉरी 43 हो गया ना, अब हम लोग 44 की ओर रुक करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। बहुत बेहतरीन सवाल फिर से आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 44। सवाल है कि ये गैल्वेनोमीटर नहीं, ये गैल्वेनोमीटर है, टाइपिंग गलत है, मिस्टेक है, कोई बात नहीं। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में बनाने की जरूरत हो या बदलने की जरूरत हो, ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है? ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किस चीज में? वोल्टमीटर में। बनाने की या बदलने की, वही चीज है, कोई बात नहीं, बदलिए या बनाइए, वही बात हो गया। मैं किसकी जरूरत है, तो भाई इसका राइट आंसर होगा कि ऐसे कंडीशन में आपको चाहिए उच्च प्रतिरोध का जरूरत है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए आपको उच्च प्रतिरोध की जरूरत है, यानी 44 का राइट आंसर जो है वो ए होगा। 44 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़े,
आगे बढ़े, वेरी गुड, ओहो सॉरी जस्ट अ मिस्टेक, 45। क्वेश्चन नंबर 45 डिमांडेबल क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न काफी बार बोर्ड के पेपर में देखने को मिला है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। अब ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिर तो वही क्वेश्चन आ गया नहीं। चलिए ये गलत है, ये टाइपिंग डायनेमो, ठीक है, सिर्फ डायनेमो होगा राइट आंसर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, विद्युत को यांत्रिक में बोले तो विद्युत मोटर, याद रखिएगा, अगर यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करना हो तो डायनेमो, लेकिन विद्युत को यांत्रिक में करना हो तो विद्युत मोटर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46, अवरक्त किरणों का मुख्य प्रभाव है, देखने की संवेदना, उष्मीय, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, ये इनमें से कोई नहीं, अवरक्त किरणों का मुख्य प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, तो राइट आंसर जो होगा, अवरक्त किरणों का प्रभाव जो है वो उष्मीय होता है जी, अवरक्त किरणों का प्रभाव जो है वो उष्मीय होता है। 46 का राइट आंसर जो हो गया, ये आपका बी हो गया। आगे बढ़े, 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन की मैक्सवेल समीकरण हर नियमों को निरूपित करता है, इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित है, किसके द्वारा, किसके थ्रू, कुल धारा से, विस्थापन धारा से, चालन धारा से, इनमें से कोई नहीं, कौन सा समीकरण, मैक्सवेल एम्पियर नियम, ठीक है, मैक्सवेल एम्पियर नियम, मैक्सवेल समीकरण हर नियमों को निरूपित करता है, इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम किसके थ्रू संबंधित है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 46 और राइट आंसर जो होगा वो कुल धारा से संबंधित है, 47 का ए हो गया, 47 का ए हो गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं 48 की ओर, तो 48 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, और बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है, जैसा कि मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर रख चुका हूं कि खाद्य पदार्थों में जल के अणु को घूर्णी आवृत्ति है, किसके आधार पर, परावैगनी क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र में, माइक्रो तरंग क्षेत्र में, या दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, बताइएगा। खाद्य पदार्थों में जल के अणु को घूर्णी आवृत्ति जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन में, पर कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चन का राइट आंसर जो है माइक्रो तरंग क्षेत्र में है, इसको इग्नोर करके चलिएगा इस क्वेश्चन को, मैं जब बोल रहा हूं तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, चलो बच्चा मजा आ रहा है, से यस या नो, मजा आ रहा है या नहीं, बस हाँ या ना, मैं जानना चाहता हूं, एक बार हाँ या ना बोलिए, सिर्फ पढ़ाते जा रहे, पढ़ाते जा रहे, मजा आ रहा है, आ रहा है मजा, हाँ जी, सभी को ड्रीम क्लासेस की पूरे परिवार की तरफ से, आपके पूरे परिवार को हैप्पी न्यू ईयर, हार्दिक शुभकामनाएं हैं, नए साल की अच्छा जाए आप लोगों का हर साल, इस साल की तरह मतलब जो एक दो साल कुछ खराब गुजरा है लोगों का, ये बहुत बड़ी बात है, ये ना हो इस बार, अच्छे से गुजरे इस बार आपका, ठीक है, कोविड का प्रकोप कम हो, ना आए तो और अच्छी बात है, ऐसा तो लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा देखो आ भी सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन, सवाल है 49, चलो बच्चा जो है आंसर कर रहा है कि जी सर बहुत मजा आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुधैर्य, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ एवं अनुधैर्य दोनों, और अनुधैर्य एवं अनुप्रस्थ, अच्छा ये दोनों नहीं है जी, सी में तीन हो गया, मतलब नहीं होगा। 49 का बताइए राइट आंसर क्या होगा, 49 का आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो है वो अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, 49 का राइट आंसर बी हो गया, क्या हो गया जी, 49 का राइट आंसर बी हो गया। और अब हम लोग अगले 50वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 50, बताओ जी राइट आंसर क्या होगा, और इसके बाद दो एक 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे हम, उसके बाद आपको पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक बार में ये महामैराथन है तो बीच में आप हमें रेस्ट देंगे। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो के कार्य सिद्धांत जो आधारित है ये विद्युत चुंबक के प्रेरण पर आधारित है, और यहां पर मैं एक प्लस का साइन लगाने के बाद मैं आपको लिखूंगा कि वेट 32-40 सेकंड, ठीक है, वेट 32-40 सेकंड, अब आप वेट करिए आप हमारा, चलिए फिर से लाइव आ चुके हैं आप सबों के सामने। ओहो मैंने वेट क्या बोला भाई, सीधे 150 बच्चे हो गए लाइव, इतना भी वेट नहीं करने के लिए बोले थे, ठीक है चलो लाइव आ जाओ, मैंने वेट 32-40 सेकंड बोला था, ना कि 32-40 मिनट बोला था। क्या बात है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, मैंने 30-40 सेकंड के लिए वेट करने के लिए बोला था आप सबों को, ना कि 30-40 मिनट। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के किस मान को, क्वेश्चन नंबर 51 भाई,
तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के, तो भाई तप्त तार एमीटर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को मापता है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तप्त तार एमीटर क्या करेगा, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को मापता है। चलिए जल्दी से आइए फिर से लाइव, सभी लोग जल्दी से फिर से कनेक्ट होइए, फिर से लाइव आओ फटाफट, जल्दी शेयर करो, जल्दी शेयर करो, जल्दी शेयर करो, जल्दी शेयर करो। तो ये राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 51 का। आगे बढ़ते हैं 52। 52 ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, 52 ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, तो भाई ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़े, फास्ट फास्ट करवाते हैं। 53 क्योंकि बहुत लंबा मैराथन है, ऐसे गलबात करते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। विशालन अनुपात है, ये गलत क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते 54 पे आते हैं। 53 गलत था, ये कोई बात नहीं। 54 पे आते हैं कि एक पतले फिल्म के रंगीन होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। कुछ क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो जाते हैं। एक पतले फिल्म के रंगीन होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी से आप भी अपना वर्चस्व दिखाओ, जल्दी जल्दी से आंसर दो जी। आपको मैंने अपनी उंगलियां, आपकी उंगलियां मैंने पकड़नी रखी कि आप आंसर नहीं दे सकते हैं। आप भी अपना दिखाइए, दबदबा दिखाइए और अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर जो होगा वो 54 का बी हो चुका है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नहीं, एक पतले फिल्म के रंगीन होने का सबसे प्रमुख कारण व्यतिकरण होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 कि जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डाले तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा। चलो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है जी, कि अगर एक लाल शर्ट के ऊपर हम हरा प्रकाश डालेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ये आसान भी है और थोड़ा सा कठिन है, कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं लाल ही तो नहीं दिख जाए, तो आंसर होगा काला। 55 का ये, आगे बढ़ते हैं। 56 कि वह घटना जिसमें कुछ धातु पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं क्या कहलाती है। वह घटना जिसमें कुछ धातु पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, कौन सा घटना कहलाएगा जी। 56 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहलाएगा जी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा हूं ताकि बच्चे अच्छे से अपने आंसर्स को टिक कर सकें। चलो प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित में से किसकी फोटोन की ऊर्जा अधिक होती है, किसकी फोटोन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्वेश्चन नंबर 57। तो भाई किसके फोटोन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो परावैगनी प्रकाश 57 का सी। किसके फोटोन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, 57 का सी। 58 नंबर क्वेश्चन कि तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का कार्यफलन होता है, तो भाई कुछ इलेक्ट्रॉन बोल्ट के द्वारा होता है तांबा का कार्यफलन, गति में कर रहे हैं। 58 का ये, तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन बोल्ट के द्वारा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि कौन सी है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि। तो राइट आंसर होगा कि सर कुल आवेश भी संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी रहता है और कोणीय संवेग भी रहता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो है हम राइट आंसर क्या टिक लगाएंगे, डी आपका टिक लगा देंगे। ठीक है सभी, ऑल ऑफ ओके। चलो बहुत बढ़िया, फिर से बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भाई मैंने रेस्ट मांगा तो बहुत बड़े लंबे रेस्ट पे चले गए। क्वेश्चन नंबर 60, सवाल बहुत बढ़िया है, डिमांडेबल है कि सौर ऊर्जा का स्रोत बताइए, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, तो भाई नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन। चलिए 61 डिमांडेबल क्वेश्चन कि वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का या किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए आ जाइए फटाफट फिर से लाइव, क्वेश्चन नंबर 61 आ चुका है आपके स्क्रीन पे कि वाहनों के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए, वाहनों के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण, बताइएगा जी। लेंस का तो होगा नहीं, हमें हमारे हिसाब से दर्पण ही होना चाहिए, तो कौन सा होगा, सही बताओ, सही बताओ भाई। लेंस कहां से होगा, आईना चाहिए ना पीछे वाली चीजों को देखने के लिए, लेंस का प्रयोग करोगे तुम। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे जी, ना कि उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। 61 का सी। चलो 62 पूछता है इस तरह के प्रश्न कि रोगियों के दांत को देखने में डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त दर्पण। एक बार मैंने बाय मिस्टेक समतल करवा दिया था, इसके लिए माफी चाहेंगे, बहुत पहले मैं करवा दिया था, वो जल्दी जल्दी में बाय मिस्टेक हो गया था। रोगियों के दांत को देखने में डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त दर्पण 62, और 62 का राइट आंसर होगा भाई अबतल। हाँ नहीं, अबतल, रोगियों के दांत को देखने के लिए डॉक्टर जो है वो अबतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा किसी का नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, हाँ जी 63 सवाल है कि वाहनों के आगे में जो आगे वाला जो लाइट होता है, दर्पण होता है ना, वाहनों के आगे में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल। सारे मॉडर्न फिजिक्स, बहुत ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का ये एरिया हो गया जी आप लोगों का। 63 देखो जी, वाहनों के आगे में हम लगाएंगे परावलयिक दर्पण। किसका लगाएंगे, परावलयिक दर्पण। गलत नहीं होना चाहिए जी, सही से, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, मैं जो भी बता रहा हूं ये सभी बिल्कुल सही है। 62 का आपने क्या मारा सही आंसर, 62 का बी, 63 का डी। आइए 64 पे, गलत नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन, ये मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स का एरिया, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम आएगा, 64 आसान सवाल है, इससे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। आगे आइए 65 टाइम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से करेंगे। इनमें से कौन सही विकल्प है जी, इनमें से कौन सही विकल्प है, तो देखो भाई सही विकल्प है आपका सी, जो आपने पढ़ा होगा लेंस सूत्र से 1/f = 1/u + 1/v, ये आपने पढ़ा होगा, एम आई राइट। तो 65 का सी। 66 पे
जो बच्चा संजीवनी नहीं लिया है उसके पास लास्ट चांस है, अभी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 3000 बच्चे जुड़ चुके हैं संजीवनी में, कितने 3000, कभी किसी बैच में भी 3000 बच्चे नहीं रहते हैं, ऑफलाइन में हमारे साथ संजीवनी में एक बैच में 3000 बच्चे हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर पड़ता है, सबको पता है कि भाई प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के ऊपर पड़ेगा, 60C के ऊपर, 60C का डी, राइट आंसर डी हो गया जी, 66 का डी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 67 नंबर क्वेश्चन प्रश्न बहुत बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सवाल पूछा गया है रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, 67 नंबर क्वेश्चन, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 67, एक बेहतरीन सवाल। लगभग 200 बच्चे हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 67। तो रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। 68 के ऊपर आते हैं, आज महामैराथन करवाएंगे और ये महामैराथन काम आएगा आपको पूरी जिंदगी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, मैं थोड़ा सा जूम आउट कम कर दूं, जूम को कम कर दूं, हाँ ये दिख जाएगा इतने में आपको। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, भाई एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए वो आधी, मतलब आईना, अगर अगर मान लीजिए कि आपकी आपका हाइट 6 फीट है तो अगर आप 3 फीट के आईने में, 3 फीट के आईने के सामने अगर आप जाएंगे तो आप पूरा पूरा अपना पूरा देख पाएंगे अपने पूरे बॉडी को, ठीक है। कितने फीट के, अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आईना चाहिए कम से कम 3 फीट पूरा देखने के लिए, 5 फीट वालों को 2.5 फीट चाहिए, सिंपल सी बात है। 69, जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या, आज की क्लास अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त पास हो जाए तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा उसको, ठीक है, ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिएगा, बहुत काम आएगा जी, ठीक है। तो जब कोई वस्तु दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उनके द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या, 69 नंबर क्वेश्चन। तो भाई अगर समानांतर में रखा जाएगा तो बने प्रतिबिंब अनंत कहलाएंगे, बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती, इनफाइनाइट। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा जी, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है, शेयर करिए यार, क्या आप लोग एकदम बहुत सारे बच्चे देखो, चलो सबके नाम लेते हैं, कनीज, गुलफना, राज, गोलू, विवेक, अनुराग, गणेश, रजनीकांत, भाई रजनीकांत भी हमारे साथ है, राधा कृष्ण नाम, ऋतिका सिंह राजपूत, नाम तो बड़ा है पता नहीं पढ़ाई ध्यान है इन लोग का, यानी प्रदुमन फ्रॉम भागलपुर, रंजीता, ओके। तो इस तरह से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी सारे। तो भाई 70 नंबर क्वेश्चन, आज महामैराथन है और बिल्कुल दो से सॉरी बने प्रतिबिंब जो है वो, ये माफी चाहते हैं आंसर जो होगा ये दो नंबर ऑप्शन का आंसर क्या है, 3 प्रतिबिंब बनेंगे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था आंसर देते समय। चलिए कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब, मुझे लगा 2 से 3 कैसे बन सकता है, या तो 2 बनेगा या तो 3 बनेगा, फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं ये डैश दिया हुआ है, 3 प्रतिबिंब बनेंगे, 2 नंबर ऑप्शन का 3 आंसर होगा, बी आंसर। चलो 70 हो गया ना, 71 पर आते हैं, सवाल है कि समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच का कोण कितना होना चाहिए। अभी सर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 71 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि भाई 90 डिग्री होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल, 3 प्रतिबिंब चाहिए। तो अभिशारी लेंस होता है ये, उत्तल अवतल आपने पढ़ा होगा, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को क्या करते हैं, तो जो अभिशारी लेंस है वो उसका काम क्या है बताइएगा। अभिशारी लेंस, एक अपशारी आएगा एक अभिशारी, तो अभी अभिशारी बताइएगा, इसके जस्ट अगेंस्ट जो है वो अभी अपशारी होगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 72, तो इसका काम है भाई किरणों को एकत्रित करना, प्रकाश एकत्रित करना, ठीक है। चलिए 73, सिंपल सी बात है कि भाई ये वो एकत्रित कर रहा था तो ये अपसारी उसके जस्ट अगेंस्ट है, तो ये जो है वो किरणें प्रकाश जो भी कहिए इसको फैलाता है। 73 का ये, अब कहिएगा कैसे, तो एक जब एकत्रित करेगा तो ये एक दूसरे के जस्ट विरुद्ध होते हैं तो वो प्रकाश फैलाएगा, एक वो एकत्रित कर रहा है तो ये फैलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, रुकने की कोई बात ही नहीं इस तरह के क्वेश्चन में। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, कहिएगा आसान सवाल है जी, बिल्कुल सही है, आसानी है लेकिन हमें तो आंसर देना है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य, किससे, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य। 75, पानी में हवा का बुलबुला, ये बहुत बढ़िया सवाल है, टॉप मोस्ट वीवीआई, टॉप मोस्ट वीवीआई, सॉरी टॉप मोस्ट वीवीआई, बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 75 और बहुत बढ़िया लाजवाब प्रश्न, आंसर होगा अवतल लेंस की भांति, पानी में हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, 75 का राइट आंसर डी हो गया। आ जाए हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं या प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज का उदाहरण है बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 76, बहुत बेहतरीन सवाल है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो प्राप्त करते हैं तो यह प्रकाश जो है वो किस प्रकार के किरण पुंज का उदाहरण है। तो 76 बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन याद रखिएगा कि हम जो है ये समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है, किस प्रकार के किरण पुंज का, समानांतर, 76 का राइट आंसर भी हो गया। आगे बढ़े 77 नंबर क्वेश्चन कि डायोप्टर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं इसकी इकाई क्या है, सिंपल सी बात है सर, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। सवाल क्यों रुकना, क्यों टाइम वेस्ट करना, जो आसान क्वेश्चन है, नहीं आगे बढ़ते रहते हैं, हाँ ये मजेदार वाली चीजें हैं आपके लिए। 78 धूप के चश्मे की क्षमता,
बहुत बढ़िया सवाल। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर। ओहो हो सॉरी सॉरी सॉरी, धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर। देखो अभी अगर आपको संजीवनी बैच ज्वाइन करना, बहुत सारे बच्चे संजीवनी बैच को लेकर बहुत परेशान है, संजीवनी बैच ठीक है, पहला काम क्या करिए, नीचे लिंक है ठीक है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, पहला काम आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरा काम, एक लिंक होगा संजीवनी करके ठीक है, हिंदी में संजीवनी ठीक है, ये संजीवनी जो भी है संजीवनी बैच ऐसे करके, दूसरा इस पर क्लिक करिएगा, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा कि नहीं सर हमको खरीदना है, बाय नाउ करिए, जो इसकी फीस दिख रही है 299 जो भी दिखे आप बाय नाउ कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो फिर नीचे स्क्रॉल हो रहा है ना हेल्पलाइन नंबर, कॉल करिए हमारी टीम उससे बात करेगी, मतलब आपकी बातें सुनेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। 79 बहुत आसान है। और हाँ याद रखिएगा सभी गेसिंग जो है 2022 के लिए जो गेसिंग है वो उसी बैच के अंदर डाला गया, टोटल पूरे 6 विषयों की पूरी तैयारी मात्र 30 दिन में, कौन सा बैच, संजीवनी बैच, अंत समय में जिसको बोलते हैं, नाम से सुनिए ना संजीवनी, पारासीटामोल है ये आपके लिए ठीक है, भगवान लक्ष्मण के लिए हनुमान जी लाए थे संजीवनी बूटी पूरा पहाड़ उठा के ठीक है, और उनको जीवित किया गया था, आपको जीवित करने के लिए यही संजीवनी काफी है। एक लेंस का फोकस अंतर अगर 25 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता कितने डायोप्टर के बराबर होगी, 79 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल। तो उसकी जो क्षमता है बच्चा पाड़ी वो ऐसे कंडीशन में जहां फोकस अंतर 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता 4 डायोप्टर के बराबर होगी, एक लेंस का फोकस अंतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता 4 डायोप्टर के बराबर होगी, 79 का राइट आंसर भी। अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, 80 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 80 कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 0.2 मीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर हो तो इसकी क्षमता कितने के बराबर होगी, क्वेश्चन नंबर 80, 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है। तो याद रखिएगा कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता +2 डायोप्टर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 80 का राइट आंसर क्या होगा, ए, 80 का ए, एक सेकंड एक सेकंड, गलत लग रहा है मुझे, ना ना ना, तो लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, नहीं जी गलत है ये, चलो वही मुझे लग रहा था ये, ए कैसे होगा, डी इज द राइट आंसर, 80 का क्या होगा, डी होगा, अच्छा ठीक है। अच्छा 79 का क्या किया था हमने, 79 का बी, हाँ ठीक है, 80 का डी ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, 81 क्वेश्चन नंबर 81, आज मजा आने वाला है, ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं क्योंकि इतनी गति में हम इसको करवा रहे हैं ना कि हर समय ये काम देगा। यदि किसी दर्पण के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी, लेंस की क्षमता कितना है भाई, 2 डायोप्टर है, 2D है, बताइएगा, 81 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर कि सर इसकी फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर होगी, कितना होगा, सी राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। 82 पर आते हैं, कहिएगा सर प्रूव करिए, पॉसिबल है, पढ़ाते पढ़ाते में ऑब्जेक्टिव के बीच में न्यूमेरिकल सॉल्व करना। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, जब हम एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो इसकी क्षमता जो है, हाँ, कोई डाउट नहीं है, जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता जो है वो घट जाती है। मजा आ रहा है आज, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे यार मजे ले रहे, मजे ले रहे आज, हाँ चलिए टेलीग्राम पे जुड़ जाना भाई, टेलीग्राम पे क्विज प्रतियोगिता शुरू हो गया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाना टेलीग्राम पे, क्विज प्रतियोगिता शुरू हो गया। मानव नेत्र में क्या मौजूद होता है, कहेंगे आंख में क्या मौजूद होगा सर, धोखा फरेब ईर्ष्या घमंड, नहीं धोखा फरेब ईर्ष्या घमंड एटीट्यूड, नहीं कहीं कहीं प्यार भी होता है कि नहीं, किन्हीं के अंदर डिपेंड करता है उनके ऊपर। मानव नेत्र में क्या मौजूद होगा, आज पहली बार बच्चों को पता चलेगा कि सर मानव नेत्र में जो है ना वो उत्तल लेंस होता है, धोखा फरेब ईर्ष्या प्यार घमंड एटीट्यूड जो भी है ये सब होता ही होता है, साथ ही साथ उत्तल लेंस मौजूद होता है, क्या होता है जी, क्या होता है बच्चे एक बार बोलेंगे, मानव नेत्र में क्या मौजूद होता है, हाँ उत्तल लेंस, क्या होता है एक बार हमारे साथ बोलो सभी लोग, मानव नेत्र में क्या मौजूद होता है, उत्तल लेंस, क्या मौजूद होता है जी, उत्तल लेंस। आगे बढ़े चलो, 83 हो चुका है, 84 निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए, बहुत बढ़िया सवाल, मजेदार तड़ाकेदार, कि सर निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, आ भी गया, लीजिए आ भी गया, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो क्वेश्चन आ गया, आ गया निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए, एक सेकंड ठीक है ना जी, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे, यानी पहला राइट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़े, 85 हो गया, 86 में सवाल है, एसिड गैमेटिज्म की बीमारी को ठीक करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 86 में, बहुत बढ़िया सवाल है ये जी, क्वेश्चन नंबर 86, देखो भाई किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे इस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे, किसका, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे, 86 का राइट आंसर डी। 87 कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या परिवर्तित होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या परिवर्तित होता है, ये क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो भाई याद रखिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होता है तो ये जो है ये परिवर्तित, जब प्रवेश करता है तो ये परिवर्तित हो जाता है तरंग दैर्ध्य, ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। चलो 88 आज जो बच्चा शुरू से अंत तक जुड़ा हुआ है ना उसको हमारे तरफ से दिल से थैंक यू कि भाई वो पढ़ने वाला बच्चा है, उसको पता है, उसको फिक्र है कि अगला महीना हमारा पेपर है, नहीं पढ़ेंगे तो माँ बाप बहुत पीटेंगे, हमारा भविष्य नहीं बने पाएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है, मैंने ये नहीं पूछा कि है कौन सा नहीं है, बताओ, मतलब इनमें से कौन जो है वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 88 राइट आंसर, हाँ
तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन और प्रावर्तन के बीच में आ जाएगा। ये तारों का टिमटिमाना, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 88 का डी, तारों का टिमटिमाना। नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है ना उसके ऊपर अमल जरूर करिए। अमल करना क्या है, जुड़िए, अभी तो बस कुछ दिन बच रहे ना, बाद में रो जाओगे कहेगा सर 299 के चक्कर में हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पढ़ ही नहीं पाए थे 299 का, सोचे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, 299 रुपया का बचत किए, गोलगप्पे खाए, छोले भटूरे खाए, ठीक है, कुछ इधर उधर रिचार्ज विचार्ज सर 209 रुपये का पैक डलवा लिए थे जियो का 28 दिन का, 1.5 GB पर डे, इसी के चक्कर में आपका बैच नहीं दे पाए 299, 299 के चक्कर में आप सेकंड डिवीजन कर गए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। मैं आपको एक नई राह, नई सोच की ओर लेके जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ गैसिंग मिलेगा। अगर लग रहा है कि एक महीने में इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए इस बैच को बनाया गया। ये लास्ट टाइम नाम क्या रखा गया, संजीवनी बैच, भाई पारासीटामोल है ये आपके लिए, संजीवनी है ये 1989। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, सबसे आसान, ओहो पूछा गया था ना, बार बार आ रहा है, दोबारा रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं, अब तल दर्पण का रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। 90 कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट चैप्टर से भी उठाया, यानी 90 और 100 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे, वो आखिरी चार पांच चैप्टर से रहेंगे। इनमें से कौन सी घटना पानी में कम गहराई पर दिखाई देने वाली सिक्कों के लिए, जैसे मान के चलिए कोई ग्लास है या कुछ टंकी वंकी कुछ भी है, उसमें अगर हमें कॉइन डालते हैं, सिक्का डालते हैं और बाहर से उसको देखते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि सिक्का ऊपर उठा हुआ है, ग्लास के शीशे के ग्लास में अगर हम सिक्का डालते हैं, छत डालते हैं, तो छत टेढ़ी प्रतीत होती है। इस तरह के प्रश्न के लिए ये क्या, कौन सा जिम्मेदार है, क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा कि ऐसी क्रियाएं जो है ये अपवर्तन के कारण होती है, मतलब ऊपर उठा, रियल में उठा रहता नहीं, बस दिखाई पड़ता है, ऐसा फील होता है, रियलाइज होता है, महसूस होता है। अब कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट के चैप्टर से, देखो यहाँ पे ये आपके आखिरी के कुछ चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उससे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया कि रडार द्वारा दूर संचार में किस विद्युत चुंबक के तरंग का उपयोग होता है, रडार द्वारा दूर संचार में किस विद्युत चुंबक के तरंग का उपयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 91। एक बेहतरीन सवाल कि रडार द्वारा दूर संचार में किस विद्युत चुंबक के तरंग का उपयोग होता है, तो क्वेश्चन नंबर 91 भाई माइक्रोवेव, माइक्रो तरंग, माइक्रो तरंगे का, तरंगों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। 92 की बात करें, 92 की बात करें तो कहा गया कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग होता है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए, तो भाई लंबी दूरी तक अगर रेडियो का प्रसारण करें तो आयन मंडलीय प्रावर्तन का उपयोग करते हैं, ठीक है, आयन मंडलीय प्रावर्तन का उपयोग होता है लंबी दूरी तक, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए किसका उपयोग होता है, आयन मंडलीय प्रावर्तन का। क्वेश्चन नंबर 93 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 93 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश तंतु संचार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर है भाई पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के ऊपर आधारित है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 94 एक बेहतरीन सवाल कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर सभी लास्ट के चैप्टर से, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, सभी बेहतरीन बेहतरीन चुनिंदा प्रश्नों में से एक मैं आपके स्क्रीन के ऊपर आज लाया हूं और आज ये 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके अंदर एक नई सोच, एक नई एक्टिविटी हमारे चैनल के लिए उत्पन्न होगी, ड्रीम क्लासेस के लिए, और ये हमारे लिए अच्छे संकेत है ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। नाउ 95 क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया कि ताप बढ़ने से अर्धचालक के विशिष्ट प्रति, ये विशिष्ट है लास्ट में लिखा हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक के विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, तो राइट आंसर ये होगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। 95 का भी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। और 96 की अगर बात करें कि डायोड का उपयोग करते हैं किस तरह से, डायोड का उपयोग किया जाता है किस रूप में, किस तरह से, किसका, ये बहुत बेहतरीन सवाल है 96। तो भाई याद रखिएगा कि डायोड का जो उपयोग करते हैं ना, कहीं कहीं प्रवर्धक भी देता है लेकिन याद रखिएगा डायोड का उपयोग, बताइएगा सभी बच्चे एक बार पहले फिर आंसर देंगे, जरा हम भी देखें। 96 लिखकर आंसर दीजिएगा जरा, डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग करेंगे एक रेक्टिफायर की बात, कहीं कहीं प्रवर्धक भी रहता है, इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान देखिए दीजिएगा, बाय ऑप्शन डिपेंड करेगा, वैसे हमारा आंसर जो है रेक्टिफायर ही होना चाहिए राइट आंसर। 97 पूर्ण आंतरिक, पूर्ण तरंग दृष्ट कारक में उपयोग होता है, कितने डायोड का उपयोग करेंगे, तो पूर्ण तरंग दृष्ट कारक में हम दो डायोड का प्रयोग करते हैं, कितने का, पूर्ण तरंग दृष्ट कारक में उपयोग होता है दो डायोड का। 98 की बात करें तो निम्न में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो भाई ये बड़े प्यारे वैज्ञानिक थे, मैक्स प्लांक, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक थे, 98 का डी राइट आंसर। 99 की बात करें तो 99 बहुत बेहतरीन सवाल ये भी है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, याद रखिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, एक होता है पड़ती है तो वो आपका लाइमन हो सकता है उसका राइट आंसर, लेकिन याद रखिएगा कि नहीं पड़ती है, ठीक है, बामर श्रेणी ये नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी पूछता है पड़ती है। 100 नंबर क्वेश्चन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किसके ऊपर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन के ऊपर निर्भर करता है। और काफी बड़ा क्लास हो चुका है इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन का यूज जरूर करिए, हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए क्योंकि वहां पे हम क्विज प्रतियोगिता ला चुके हैं, एक बार क्विज करके देखिए मन खुश हो जाएगा, ये आखिरी के कुछ पल जो है, कुछ दिन जो है, अच्छा 10वीं के बच्चे भी टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, उनके लिए भी क्विज करवाया जा रहा है, ठीक है, तो हमारे साथ एक बार टेलीग्राम पे जुड़िए और बहुत मजा आने वाला है टेलीग्राम में।
ठीक है, लगेगा कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पे, साथ ही साथ वीडियो का डिस्क्रिप्शन यूज करिएगा, संजीवनी बैच साइंस और साथ साथ आर्ट्स के भी संजीवनी बैच ड्रीम क्लासेस के ऐप के ऊपर शो करेगा। तो जो आर्ट्स स्ट्रीम से बच्चे हैं, आपका फ्रेंड या कोई भी, आप उनको भी बता सकते हैं कि जाइए और संजीवनी में लीजिए। संजीवनी बैच की सबसे बड़ी खासियत कि आप वहां पे नोट्स को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपका मन करे कि हम फोटोकॉपी करवाएंगे, जी हां करवाएंगे। सर कैसा निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। देखो मैंने कुछ जीरोक्स वगैरह ऐसे करवाया था, आप मतलब मन था कि बच्चों को एक आध डेमो दिखा दे, थोड़ा सा रुकेंगे 10 सेकंड। जैसे आपके मन में विचार आ रहा होगा ना कि ये कैसा रहेगा, फुल एचडी है ना बच्चा लाइव, हाँ ये देखो फुल एचडी। अगर ये अपने हाथों से हम लोग ये नोट्स बनवाते हैं, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट कम करेंगे ना, लाइट कम होगा तो फिर ये दिखे, मतलब एचडी है एकदम। सीधे सीधे याद रखिए, जब आप इसका प्रिंट करवाएंगे तो एकदम फुल एचडी शो करेगा आपको ये, ठीक है। क्वालिटी एकदम हाई लेवल की क्वालिटी है, कोई सोचने की बात नहीं है, फुल दिख रहा होगा नहीं, हाँ जी दिख तो रहा है बच्चों को, फुल एचडी मतलब प्रिंट आउट में कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट नोट्स का ही प्रिंट आउट है, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे, 100 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, 100 में खुश है ना, 100 में खुश है, चलो 150 तक जाने से थकावट आपके अंदर भी होगा, बोर हो जाइएगा भाई, कल न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है तो जाइए करिए, एंजॉय करिए, एंजॉय योर लाइफ, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हाँ एग्जाम के लिए खासकर बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।